Hello darlings, it's show time. Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. Well friends, आज के episode में जो भी figures और जो भी facts मैं आपको बताऊंगा, ये सच्चाई है, ये कोई झूठ नहीं है. कल रात को भी जब मैंने audience occupancy और you know box office prediction episode बनाया था, वो बात सच्चाई है मेरा भाई. एक आदमी, एक critic पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ plus जनता की आबादी का decision decide नहीं कर सकता. एक film review पूरे 100 करोड़ प्लस आदमी लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये नहीं डिसाइड कर सकता. ऑडियंस रिस्पॉन्स ऑफ साहो इज अर्थ शैटरिंग. एक भी ऑडियंस पब्लिक रिव्यू मैंने ये नहीं देखा जिसमें पब्लिक ने बोला है कि फिल्म इज अनबेरेबल. अनबेरेबल तुम्हारा रिव्यू था भाई मेरा, जो देखकर ये समझ में नहीं आया कि तुम फिल्म की बुराई कर रहे हो या अपने अंदर जो खुन्नस है वो निकाल रहे हो. अलग अलग फैन क्लब्स, अलग अलग स्टार्स, इनकी फिल्मों को 1.5 स्टार दिया गया था, मिला था, वो अपनी सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन साहो पे निकाल रहे हैं. तुम्हारे स्टार की फिल्म को खराब बोला गया, उनके एक्शन सीन्स को खराब बोला गया, तो तुम साहो के एक्शन सीन्स को खराब बोल रहे हो. वेल फ्रेंड्स, दुनिया ऐसी नहीं चलती मेरा भाई. हाँ, मानता हूँ फिल्म उतनी अच्छी नहीं है जितना बननी चाहिए थी, लेकिन फिल्म उतनी भी खराब नहीं कि तुम लोग उसे वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म्स एवर ऑफ द डेकेड बोलो मेरा भाई. लेकिन वो कहते हैं ना कि जनता जनार्दन है, भले पहले दिन के लिए हुआ तो क्या हुआ. एंड गाइज, मैं आपको इतना भी लिख के दे सकता हूँ कि आज दूसरे दिन की जो ओपनिंग हुई है, दैट इज अर्थ शैटरिंग. दूसरा दिन भी फाड़ के निकलेगा. ये फिल्म तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ही इतना कमा लेगी कि ये हिट हो जाएगी, और हिंदी में जितना इसे हिट होने के लिए चाहिए, यानी कि 120-130 करोड़, वो भी इसके लिए चॉकलेट वॉक होगा. वेल फ्रेंड्स, प्रभास साहो हैज ऑफिशियली बीटन बाहुबली इन द हार्टलैंड ऑफ हैदराबाद. यस फ्रेंड्स, द निजाम शेयर ऑफ फर्स्ट डे ऑफ प्रभास साहो इज 9.41 करोड़, बीटिंग दैट ऑफ बाहुबली. इवन इन नेल्लोर इट हैज बीटन बाहुबली बाय ह्यूज मार्जिन. एंड गाइस, इट हैज सेट ऑल टाइम रिकॉर्ड. यस फ्रेंड्स, जहां पर एक्टर्स की पहले दिन का कलेक्शन 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड भी ग्रॉस नहीं होता इंडियन एक्टर्स का, वहां पे प्रभास ने पहले तो बाहुबली टू द कंक्लूजन, जो कि एक आइकॉनिक एक इवेंट फिल्म है, उसके बाद अब गाइज साहो बिकम्स हिज सेकेंड फिल्म एंड द ओनली इंडियन एक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा टू हैव 100 करोड़ ग्रॉस ओनली इन इंडिया. यस मेरा भाई, ऑफिशियल फिगर्स जब आएंगे तो मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल साहो हैज क्रॉस्ड 100 करोड़ ग्रॉस इन इंडिया ऑन इट्स फर्स्ट डे. इससे पहले किसी भी फिल्म ने इतना नहीं कमाया था. वेल फ्रेंड्स, इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो ऑब्वियसली रोबो 2.0 का रिकॉर्ड था. रोबो 2.0 के बाद डायरेक्ट बाहुबली का रिकॉर्ड था. रोबो 2.0 अर्न 69 करोड़ ग्रॉस ऑन इट्स फर्स्ट डे. मैसिव स्टारकास्ट फ्रॉम बोथ द इंडस्ट्री. यहाँ पे नया डायरेक्टर और एक्टर जो बाहुबली का फ्रेश आ रहा है, उसने 100 करोड़ का ग्रॉस देकर चला गया. यस फ्रेंड्स, दिस इज अ न्यू रिकॉर्ड. द ओनली एक्टर टू हैव 2 consecutive 100 grossers एंड द ओनली एक्टर टू हैव 100 करोड़ ग्रॉस ऑन इट्स फर्स्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा. निजाम में ऑल टाइम रिकॉर्ड, नेल्लूर में ऑल टाइम रिकॉर्ड, गुंटूर नॉन बाहुबली यानी कि सेकेंड हाईएस्ट, ईस्ट गोदावरी सेकेंड हाईएस्ट, कृष्णा जिला लो फर्स्ट, नॉन बाहुबली रिकॉर्ड सेकेंड हाईएस्ट, यानी कि आउट ऑफ 8 territories 2 में ऑल टाइम रिकॉर्ड किया है. एंड अ रिकॉर्ड 35 करोड़ प्लस शेयर. यस फ्रेंड्स, इन द तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स अ नॉन बाहुबली रिकॉर्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय प्रभास साहो, अ ह्यूज अचीवमेंट. और मैं वापस से कह रहा हूं, एक क्रिटिक 100 करोड़ जनता का फैसला नहीं कर सकता. जनता जनार्दन है और वो ही उन्होंने दिखा दिया. फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड ऐड करने के बाद अब कितना होगा ये तो हम बाद में देखेंगे. और ये बहुत बड़ी बात है कि साउथ का एक्टर यहां पर आकर हिंदी में, हिंदी का कलेक्शन समवेयर अबाउट 20 करोड़ जा रहा हो, कितना है मैं आपको बताऊंगा. साउथ का एक्टर यहां पे आकर 20 करोड़ की ओपनिंग देके जा रहा है. ओपनिंग भी दिया ना, वो भी बहुत बड़ी बात है. इस पे फील फ्राउड इतना बोलना चाहूंगा. वेट फॉर द ऑफिशियल फिगर, लेकिन फिलहाल 100 करोड़ स्मैश्ड बाय साहो ऑन द फर्स्ट डे. ह्यूज एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन फैंस, डाई हार्ड फैंस.